अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IT4 सॉल्यूशन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने चैनल्स को यूज़ करते हुए स्मोक की क्रॉपिंग करना सीखी थी। स्मोक की या इस तरह की जो भी इमेजेस होती हैं, लाइक फायर की इमेज या वाटर के जो स्प्लैश होते हैं, इनकी क्रॉपिंग करना नॉर्मली इन टूल्स के थ्रू अगर आप सिलेक्शन वगैरह करते हो या क्रॉपिंग करते हो तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए हम चैनल्स को यूज़ करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है वो स्मोक की क्रॉपिंग की थी और इस वीडियो में हम लोग फायर की क्रॉपिंग करेंगे। तो अब ये मेरे पास इमेज है और मुझे इसको क्रॉप करके दूसरी इमेज में जो है वो किसी आर्टवर्क में यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं चैनल्स की जो पैलेट है इसको ओपन करूँगा। आप लेयर्स में जाके यहाँ पे भी चैनल्स को ओपन कर सकते हैं। और अब क्योंकि ये ब्लैक बैकग्राउंड पे, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लैक बैकग्राउंड पे है तो आप इसका वो ल्यूमिनस लेवल जो है वो चूज़ करेंगे जो ज़्यादा ब्राइटर है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट लाइट जो है वो बैकग्राउंड पे, तो आप डार्कर जो है वो उसकी चैनल या जो भी ल्यूमिनस वाला चैनल है वो जो है चूज़ करोगे। आपको पता है कि जो इमेज होती है वो 3 बेसिकली अलग अलग ग्रे स्केल ल्यूमिनस के इसके लेवल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, उनसे बनती है। तो मैं अगर किसी भी एक चैनल को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये बहुत लाइट आ रहा है इसके इसमें इस इमेज में जो रेड चैनल है, अगर आपके पास ये ज़्यादा ब्राइट नहीं आ रहा, लाइक इसके ये वाले जो एरियाज हैं ये कुछ डार्कर हैं, तो मैं इसकी पहले तो एक कॉपी बनाऊँगा बाय सिंपली ड्रैगिंग दिस रेड चैनल आइकन टू दिस न्यू पेज आइकन। और यहाँ पे मेरे पास इसकी एक यहाँ पे कॉपी बन चुकी है और इसको मैं कंट्रोल एल प्रेस करके बाय यूजिंग लेवल्स। अब लेवल्स से हम क्या करते हैं कि जितने भी इमेज में वाइट पिक्सल्स होते हैं उनको हम ज़्यादा वाइट कर सकते हैं, जितने भी डार्क पिक्सल्स होते हैं हम उनको ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। लाइक अगर मैं ये डार्क वाला जो स्लाइडर है इसको मैं मूव करूँगा, आप देखेंगे जो थोड़े डार्कर पिक्सल्स है ये और ज़्यादा डार्क हो रहे हैं। तो मैं ये वाइट वाला जो है थोड़ा सा मूव करता हूँ और मेरे पास आई थिंक इतना जो है वो इतने डिटेल्स काफ़ी हैं और उसको मैं ओके करूँगा। और उसके बाद मैं इस ये जो मैंने रेड चैनल की कॉपी बनाई है इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके जब यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके, तो मेरे पास इसकी जो सिलेक्शन है वो बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल को प्रेस करके इसकी जो है वो सिलेक्शन बना ली है। अब मैं सिंपली लेयर्स में जाऊँगा और इसके ऊपर एक अदद जो है वो मास्क ऐड करूँगा। तो इससे ये होगा कि जितने भी एरिया पिक्सल के अभी सिलेक्टेड हैं पिक्चर के, सॉरी, तो उनको छोड़ के बाकी जितने भी एरियाज हैं वो मास्क हो जाएंगे। लाइक ये जो ब्लैक पोर्शन है इमेज के, मास्क का मतलब ये होता है कि वो हाइड हो जाते हैं। अब मैं मास्किंग काफ़ी डिटेल में आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। मास्किंग से बेसिकली ये होता है कि हम टेम्पररी तौर पर जो इमेज के ब्लैक पोर्शन होते हैं उनको हाइड कर देते हैं, तो एक तरह से हमारी क्रॉपिंग भी हो जाती है और बाद में हम कभी भी जब भी उनको उसको पोर्शंस को हमें मतलब वो यूज़ में हो तो हम उनको वापस लेके आ सकते हैं। तो इसके सिंपली मैं एक मास्क पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे पास ब्लैक पिक्सल्स थे वो सारे इसने हाइड कर दिए और जितने भी वाइट पिक्सल्स हैं वो हमारे पास, जो लाइटर पिक्सल्स थे वो हमारे पास जो है वो शो हो रही है, मतलब जो हमें सिलेक्शन दी हमारी उसको छोड़ के बाकी सारा जो है वो हाइड हो चुका है। तो अब इस इमेज को मैं कहीं पर भी अपने प्रोजेक्ट वगैरह में जो है वो यूज़ कर सकता हूँ और आप देख सकते हो इसकी जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही हैं। वैसे अगर आप क्रॉपिंग करते हैं फायर की तो ऐसा रिज़ल्ट आपको कभी भी नहीं मिलता। अब इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज करके या जब भी मैं कोई आर्ट वर्क वगैरह अगर बना रहा हूँ तो वहाँ पर मैं इस तरह फायर की इमेज या स्मोक की इमेज या वाटर के जो स्प्लैश होते हैं वैसी इमेज को यहाँ पर जो है वो हम लोग क्रॉप करके यहाँ पर रख सकते हैं। जैसी भी आप इसको यूज़ करना चाहें अब आप कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसका थोड़ा सा टेक्सचर यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे तो मैं वो भी जो है वो कर सकता हूँ और इसका कोई भी ब्लेंडिंग मोड सेट कर देंगे। इंशाल्लाह जब हम फोटोशॉप की जो बेसिक ट्रेनिंग है ये कर लेंगे और फिर हम जब इसकी इंटरमीडिएट और एडवांस ट्रेनिंग्स में जाएंगे तो मैं आप लोगों को इस तरह के आर्ट वर्क पोस्टर्स वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बना के दिखाया करूँगा। तो जैसे आपको आइडिया हो जाए कि फोटोशॉप में हम लोग ये सारे जितने भी हम टूल पढ़ रहे हैं या ऑप्शन पढ़ रहे हैं ये किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं।
तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो है वो कलर और ल्यूमिनेंस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।